ओम शांति, नमस्ते सब श्रोताओं को। जो कि सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन, आत्मा को पहचाने, सत्य आत्मा ही है। और इस आत्मिक ज्ञान के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं 176वें दिन के ईश्वरीय वरदान में। बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया है, लेकिन ये सफ़र आगे चलता रहेगा, क्योंकि वरदानों की बरसात तो परमात्मा पिता सदा ही करते रहेंगे हमारे साथ। तो आज के वरदान में जाने से पहले इस लिंक पर जाएं जहाँ पर आपको योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, खाना क्या है, क्या नहीं खाना है वेट रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ में सोने की कला क्या है, सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर जाकर के। स्ट्रेस को कैसे कम करें वो भी यहाँ पर बताया जाता है। तो आगे चलें आज के 176वें दिन के ईश्वरीय वरदान में। बाबा क्या कहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम जो भी व्यक्ति है हमारे सामने, चाहे वो निंदा करे, चाहे वो हमारी स्तुति करे, हम उसके सामने होते हुए भी, उसके साथ में होते हुए भी, उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए भी, अच्छे संकल्प रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए चलें, और इस एग्ज़ाम पेपर में भी हम पास होते चलें, और औरों को भी परिवर्तन करते चलें। काम तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन स्टेप तो लेना पड़ेगा, पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कदम क्या है, देखें बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं आज के वरदान में, परिवर्तन शक्ति द्वारा। परिवर्तन तो स्वयं को करना है, और को नहीं करना। ये नहीं कि कोई अगर आके आपको कुछ भला बुरा कहे तो आप उसको भी सुना दें, वो परिवर्तन नहीं करना है। कि मैं इसको ठीक कर दूं, इसको मैं सीधा कर दूं, मैं इसको समझा दूं, इसको मैं इसको कभी कभी हम कहते हैं बहुत बुरी बातें, जैसे कि मैं इसको इसकी औकात दिखा दूं। परमात्मा कहते हैं ये देवी देवता धर्म की आत्माओं की सोच नहीं हो सकती, ये एक बिल्कुल साधारण पाप आत्मा की सोच है। तो परमात्मा कहते हैं परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं के पात्र, सर्व की दुआओं के पात्र। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र, कि और लोग आपकी शुक्रिया करें, धन्यवाद करें आपको। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भवा। हमारे जीवन में विघ्न क्या आते हैं? धन के विघ्न आते हैं, संबंध के विघ्न आते हैं, सेहत के विघ्न आते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो दूसरे विघ्न, ये मानसिक विघ्न है, जहाँ पर कि कोई अगर आपको कुछ आकर कह दे तो आपका मूड ऑफ हो जाए, पूरा दिन सैड रहे, उसके द्वारा आपका असर पड़ता है आपके तन के ऊपर भी, आपके धन के ऊपर भी, और साथ ही साथ आपके संबंधों पर भी। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर हम इस चीज़ को संभाल लें तो हमारा धन के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा बुरा, ना संबंध पे और ना ही हमारे तन के ऊपर। तो देखें बाबा कहते क्या हैं विस्तार में, वो तरीका क्या है। यदि आपका कोई अपकार करे, उपकार की जगह अपकार करे, बेइज्जती करे, तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। ये कैसे कर सकते हैं? परमात्मा पिता ने हमें सिखाया है कि जैसे एक कछुआ होता है, कछुओं के सामने कोई अगर डेंजर आता है, कोई भी ऐसी अवस्था आती है, तो कछुआ क्या करता है, फटाफट अपने चारों पैरों को अंदर कर देता है और गर्दन को भी अंदर कर लेता है। माना कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, कि कछुए को पता होता है कि मेरे को इस समय इंगेज नहीं करना है अपने आप को, मेरे को लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। परमात्मा कहते हैं इसी तरीके से तुम भी अपनी पांच कर्म इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुख, इसी से तो हम कर्म करते हैं ना, हाथ पैर से, तो उनको भी तुम क्या करो, संकीर्ण कर लो, उसको विस्तार में मत लेके जाओ। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने भी उसको दो तीन सुना दी, ये बात नहीं करनी है। परमात्मा कहते हैं इस समय आपको अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके इस कर्मेंद्री छठी इंद्री को मेरे साथ लगाना है, मतलब कि आत्मा के मन और बुद्धि को मेरे साथ जोड़ देना है, और उस आत्मा को माफ करना है। कैसे, क्यों? परमात्मा ने कहा है कि हर एक आत्मा इस कलयुग में बिल्कुल विकारी है, परेशान है, दुखी है, उसके अपने संस्कारों के कारण और उसकी गलतियों के कारण, उसके पाप के बोझ के कारण। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर कोई हमसे मीठा बोले, हर समय अच्छे मूड में रहे, ये हो नहीं सकता। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि कोई किसी विकार के कारण या किसी गलती के कारण उलझा हो सकता है और वो सारा दोष आपके ऊपर डाल दे, ये भी पॉसिबल है। तो किसी के अंदर अगर सहन करने की शक्ति नहीं है, अपनी सिचुएशन को सामने करने की शक्ति नहीं है, तो वो औरों के ऊपर दोष डाल देता है। तो हो सकता है आपको आकर के आपकी बेइज्जती करे, आपके ऊपर वो दोष डाले, आपको बुरा भला बोले, उस समय अगर आप भी रिप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि आप जो आग है उसमें और तेल डाल दें, घी डाल दें। परमात्मा कहते हैं उस समय अगर आप कछुए के जैसे संकीर्ण हो जाए, अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने, संकीर्ण करने की शक्ति, याद करना है मैं सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं संकीर्ण करने की शक्ति को इस्तेमाल कर रही हूँ एक सेकंड में, और आप बिना कुछ बोले हुए आप उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गलती उनकी है, उनके अंदर संस्कार, उनका नेचर ही वैसा है, तो अगर आपने कुछ जवाब दे दिया तो हो सकता है कि आपके साथ में कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलत ना हो, लेकिन उसके अंदर सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति कम हो, आपको ब्लेम कर रही है वो अपनी कमियों की वजह से। लेकिन अगर आपने कुछ बुरा कह दिया और उस समय वो स्पार्क कर गया और ज़्यादा, तो
तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर और डबल आएगा वो वार। तो परमात्मा कहते हैं उस समय आप क्या कर सकते हो, उस समय आप अंदर जा करके संकीर्ण कर करके आप सोच सकते हो परमात्मा से मिल करके, उनसे मेडिटेट करके उस एक सेकंड के अंदर। ये नहीं कि आपको बैठ जाना है चौकड़ी मार करके, आप एक सेकंड में आप मेडिटेशन कर सकते हो, भगवान से आप जुड़ सकते हो और परमात्मा के साथ में बातें कर सकते हो कि इसमें मेरी गलती क्या है। और अगर आपकी गलती नहीं है सच्ची में, आपको समझ आता है उस समय, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने चिल्लाया नहीं वापस, आपने गुस्सा नहीं किया, आपको समझ आएगा कि ये तो मेरी गलती नहीं है, इस आत्मा के साथ में कुछ हुआ है, तो उस समय आप कुछ देर के बाद में जब वो शांत हो जाए तो आप मीठे प्रकार से उसको हेल्प कर सकते हो। लेकिन उस समय अगर आप बद्दुआएं दे रहे हो उसको, आप भी गाली कर रहे हो, अगर आप भी चिल्ला रहे हो, तो आपके कर्म बिगड़ने शुरू होते हैं और पूरा माहौल खराब हो जाता है, पूरा घर का या उस जगह का, उस कार्य क्षेत्र का। तो परमात्मा कहते हैं उस समय हमें संकीर्ण करना है अपने आप को, और हमें सोचना है और समझना है कि क्या ये सच्ची में मेरी गलती है, अगर है मेरी गलती तो माफ़ी मांगना है और अपने आप को परिवर्तन करना है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, हमें इम्प्रूव करने के लिए आया, इसमें ये फ़ायदा है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि इसको परिवर्तन कर दो, दो प्रकार से परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन कर दें अगर मेरी गलती है, अगर मेरी गलती नहीं भी है तो भी मैं उनको दुआएं दूँ, उनको मैं सुख शांति और प्रेम की वाइब्रेशंस दूँ। हम सुबह सुबह जब उठते हैं ब्रह्मा कुमारीज में 4 बजे उठ करके, हम यही तो करते हैं, हम पूरे संसार को, पूरी फैमिली जो है, सारी आत्माओं को और पशु पक्षी आत्माओं को भी हम सुख शांति प्रेम आनंद की वाइब्रेशन भेजते हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में किस आत्मा के साथ में क्या क्या विकार किए थे। किसी को अगर हमने धन का दुख दिया था, किसी को अगर हमने तन का दुख दिया था, हेल्थ खराब कर दी थी किसी के हमने, या हमने किसी के रिलेशनशिप्स खराब कर दिए थे, तो वो आत्मा अपना ये चोला बदल करके, उसको हम पहचान तो नहीं पाएंगे इन आँखों से कि कौन है, क्यों आकर के मेरे साथ में ऐसे कर रही है, कर रहा है, लेकिन हम महसूस कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं वो चोला बदल करके आएगी, शरीर बदल के आएगी, आपसे वो कोई ना कोई आपसे बदला लेगी, लेकिन उस समय अगर आपने और विक्रम बढ़ा दिया और आपने पाप करने शुरू कर दिए तो एक का तो डबल हो गया ना, तो उसका भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए अपने आपको हल्का बनाने के लिए संकीर्ण करने की शक्ति यूज़ करें, परमात्मा से जुड़े, मेडिटेट करें उस सेकंड में और परिवर्तन करें उस सिचुएशन को। फिर देखें आगे क्या कहते हैं बाबा, कोई अपने संस्कार या स्वभाव के रूप में परीक्षा, किसी के संस्कार ही ऐसे हैं कि वो हमेशा ब्लेम करता है या उसके अंदर टॉलरेंस पावर कम है, उसके अंदर सहन करने की, सामना करने की अपनी सिचुएशन की पावर कम है तो आपको ब्लेम कर देगा, या उसके अंदर ब्लेम करने की आदत है, या उसको कंट्रोल करने की आदत है, या उसको मैनिपुलेट करने की आदत है, तो उसके अंदर वो नेचर बनी हुई, उसके संस्कार बने हुए हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप कवच पहन सकते हो ताकि उसके जो तीर हैं, ऐसे बाण जो आ रहे हैं, वो आपको कुछ छल्दी ना करे। लेकिन अगर आपने कवच नहीं पहना हुआ है, आपने मेडिटेट नहीं किया हुआ है, आप परमात्मा के साथ में जुड़े नहीं हैं, आपको और इंसान क्या बोलते हैं उसकी ज़्यादा आपको चिंता है, और ये नहीं कि परमात्मा आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी चिंता है, दोनों में अंतर है ना। तो इंसान तो एक सेकंड में कुछ और दूसरे सेकंड में कुछ परिवर्तन हो जाता है, एक सेकंड में अच्छा होगा आपके साथ में क्योंकि आप उसकी बात मान रहे हो, अगले सेकंड में वो परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन परमात्मा का भी परिवर्तन ही होते हैं, इसलिए उनके साथ में उनको साथी बना करके, उनको अपना प्रेमी बना करके चलना है। फिर बाबा कहते हैं कि आप एक की स्मृति से, इसलिए एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहमदल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। तो हमें अपना क्या संस्कार स्वभाव करना है, हमें क्या चिल्लाना है, हमें क्या बद्दुआएं देनी है? नहीं, परमात्मा कहते हैं आपके संस्कार स्वभाव उनके जैसे ना हो, आपके संस्कार स्वभाव मेरे जैसे हों, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। तो आपके प्रति, आप उनके प्रति दुआएं, उनके प्रति आप शुभकामनाएं रखें कि आपके मन में शांति आ जाए। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, आप मन ही मन सोचें उस समय, वो आपकी शील्ड बन जाएगी। आप जितना सोचेंगे इनका जीवन सुखी हो, चिल्ला रहे हैं आपके सामने, वो खड़े हैं आपके सामने, ये शांत रहें, ये सुखी रहें, ये प्रेम से रहें, वो जो भी कह रहे हैं आपके बारे में, आपको उसका असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि परमात्मा ने आपको बताया कि आप हो कौन, आपकी शक्ति क्या है, आप कितने पवित्र बच्चे और आप क्या थे किसी जन्म में। तो परमात्मा कहते हैं वो आपकी शील्ड बन जाती है, ज्ञान आपका शील्ड बन जाता है, तो उसका असर आपके पास होता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं रहम दिल श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, कोई देहधारी दृष्टि से, कोई आपको आकर के आज कमेंट करे, आप बड़े सुंदर दिख रहे हो, आप बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वाह क्या जूते लगाए हुए हैं, वाह क्या गाड़ी आपके पास में, और आपको एक सेकंड में ऊपर चढ़ा दिया, और अगले दिन अगर आपने उनको कमेंट नहीं किया, आपने उनको नहीं बोला कि आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, आप बड़े अच्छे सुंदर लग रहे हो, तो उसी समय क्या हुआ, वो दुखी हो गए, उनको जेलसी फील हुई, उनको लगा कि आप बड़े सेल्फिश हो, आप बड़े ईगोइस्टिक हो। तो परमात्मा कहते हैं इन चीज़ों में नहीं आना है, आपको उनकी दृष्टि को चेंज करना है। अगर आपको वो हैंडसम बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं, आप उनको सीधा बोलिए, आप मुझे इस शरीर को कह रहे हैं, आप मुझे आत्मा को नहीं कह रहे हैं, आप मेरे शरीर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि शरीर तो बूढ़ा हो जाना है। आज अगर आप मेरे को बहुत अच्छा फील कराएंगे, कल ये बूढ़ा हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी आत्मा। इसलिए मैं जो असल में हूँ आत्मा, वो कितनी सुंदर है, उसके ऊपर तो कमेंट मेरे परमपिता परमात्मा ने कर ही दिया है,
तो मुझे किसी के कमेंट की जरूरत ही नहीं है। आप भी बहुत सुंदर आत्मा हो, परमपिता परमात्मा आपको भी एक आत्मा समझते हैं, बहुत सुंदर समझते हैं। आप भी अपने शरीर की खूबसूरती, शरीर की प्राप्तियाँ, धन दौलत, जूते, गाड़ी वाड़ी, इन सबको भूल जाएँ आप भी, ताकि आपके मन में शांति आए। नहीं तो आप भी हमेशा उलझे रहेंगे, कभी किसी के साथ में ईर्ष्या होगी, कभी किसी के साथ में कॉम्पिटिशन करेंगे, कभी किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे जूते खरीदने के लिए, अच्छा सुंदर मेकअप लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, और हमेशा आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। ये चीज़ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी दृष्टि को परमात्मा कहते हैं फिर कि सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन करो। ये जो भी हमने बात करी कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए, अगर आपको ये समझ आ जाए मेडिटेशन करते करते कि और वो कैसे हेल्प करना है अलग सोचने में, तो विघ्न जीत बन जाएंगे। तो ये विघ्न नहीं आएंगे, आपका मूड ऊपर नीचे होगा, औरों के साथ संबंध आपके बिल्कुल सामान्य रहेंगे। नहीं तो आप हमेशा कंपटीशन में, जलसी में रहेंगे, आप औरों को समझाते रहेंगे, आप थक जाएंगे समझाते समझाते कि मैं जलस नहीं हो रहा हूँ आपसे, या मेरे को आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, मेरे को आपसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। परमात्मा कहते हैं आत्मिक दृष्टि बना दो उनकी, आपको भी वो आत्मा जैसे समझें, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आपके विघ्न खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी, वो भी शांत हो जाएंगी, उनको आपके साथ में कोई डर नहीं होगा कि मेरे को इससे आगे बढ़ना है या ये मेरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, और आप भी शांत रहेंगे, वो भी शांत रहेंगे, आप भी सुखी, वो भी सुखी, और वो आपको शुक्रिया करेंगे वो शांति देने के लिए, वो ज्ञान देने के लिए। तो सोचिए इस गहरे वरदान के बारे में। आज का आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें इस वरदान के साथ में। ओम शांति।